लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, ई FIR